हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शाम के अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पे अभी ना थोड़ा सा टहल रही थी क्योंकि आज ना सर में बहुत 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 ही ज़्यादा दर्द है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मतलब फास्ट रखा हुआ है ना नवरात्रि का, तो उसी के चक्कर में ना सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है। पता नहीं, शायद गैस की वजह से हो रही है या तो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम है। और ये देखिए, ये मैंने दो इस तरफ बैंगल्स पहनी थी और दो इस तरफ पहनी थी, तो ये ना आज टूट गई हैं। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल है नहीं है कोई दूसरी डालने के लिए, है लेकिन वो कलर दूसरा है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी को एक ओपन करके इसमें डाल लूँगी, अच्छी नहीं लग रही है ऐसे सिंगल बाजू। तो अभी ना मेरे से बात भी नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा मतलब पेन हो रही है इतनी ज़्यादा। मैंने तो टैबलेट भी खा ली है दोस्त गैस की, फिर भी मेरे ठीक नहीं हुई है। तो मैं बस अभी दिखा रही थी, इतने दिनों से ना ब्लॉग भी नहीं आया। आप सबको पता होगा कि आज 3-4 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया है, सिर्फ मिनी ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उतना ही ब्लॉग डाल देती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मेरा कोई भी दिन ब्लॉग नहीं आता है, चाहे मिनी ब्लॉग है चाहे लॉन्ग ब्लॉग है, मैं डालती ही डालती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी आपसे नवरात्रों की आपको शुभकामनाएं दे दी जाएं। और साथ में देखिए, मैंने अपने बगीचा भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी भिंडी लगा दी है, ये छोटे छोटे पौधे आपको दिख रहे होंगे ना, तो ये वाली जो है ना वहाँ से लेकर यहाँ तक क्यारी जो है भिंडी की है, और वो आगे वाली ये पहले की लगाई है इस तरफ वाली, ये देखिए। ये थोड़े से पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब ये देखिए इतने से पौधे बड़े बड़े हो गए हैं। तो अभी इनको इनकी हो गई अभी गुड़ाई, तो ये अभी मतलब फिर फल देना शुरू कर देंगी। और ये मूली है, आप देख पा रहे होंगे इसका पत्ता भी वैरायटी की मूली है और पत्ता भी इसका अलग ही है, मूली की तरह इसका पत्ता नहीं दिख रहा है। और हमें भी ये बीज जो है ना फर्स्ट टाइम ही मिला है। यहाँ पर लगाई है मिर्ची, जो कि 8 से 10 पौधे होंगे मिर्ची के। इस तरफ जो है शिमला मिर्च के पौधे लगे हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए। और ये वाले जो है ना, ये वाले ये बैंगन के हैं सारे के सारे। और ये है धनिया, ये आपको पत्तियाँ दिख रही होंगी, इतना इतना धनिया हमारे घर में हो गया है। ये देखिए पूरी क्यारी ये धनिया की लगाई हुई है। तो अभी जो है ना, जैसे खीरा हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब खीरा हो गया, जैसे टिंडा हो गया, तुम्बड़ी होगी, घिया हो गया, लौकी वगैरह सब कुछ हमने अभी बीज लगा दिए हैं। अभी आगे आगे होएंगे और मतलब फल लगेगा। बीन्स वगैरह भी लगा दी हैं। तो अभी चलिए मैं थोड़ा सा आपको आज मैंने क्या काम किया था जिसकी वजह से ना मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई है, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। अभी मैं जा भी रही थी नीचे ही अपने गाय के पास, तो सोचा कि आप सबसे थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि जो सब्सक्राइबर होते हैं ना वो सोचते हैं कि भाई इनका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मुझे कमेंट भी आया था कि आपके ब्लॉग आजकल नहीं आते हैं, तो 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आया था ना, इसलिए थोड़े से परेशानी हो ही जाती है। देखो आज इसके इस वाले क्यारे में आपको पता होगा कि सरसों कितनी ज़्यादा सरसों थी, जो कि अभी मैं देखिए मैंने काटी है ये वाली सारी सरसों ना मैंने काटी है, और इतना बड़ा ढेर भी लगा दी है। ये देखो तरपाल नीचे डाला है और ऊपर से मैंने ढेर लगा दिया है। और ये देखिए मेरी सरसों अभी ना पक भी चुकी है, ये देखिए इसका दाना, ये देखिए सरसों का दाना। ये देखिए सरसों का दाना। तो इतना सारा काम करने के बाद पूरी दोपहर को मैंने ना ये वाला काम किया, साथ में ना थोड़ी सी बारिश भी पड़ रही थी, थोड़ी थोड़ी बूंदे बारिश की पड़ी थी और बीच में धूप निकल रही थी, उसी की वजह से शायद सर्द गर्म हो गई हूँ मैं, और मेरे सर में ना यहाँ से पेन निकल रही है। तो अभी क्या करना है, अभी मैंने खाना वाना बना दिया है, बस गाय का काम करूँगी और फिर मैं ना जल्दी से सो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स
बस आज का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड भी करूँगी, क्योंकि ये आज आपको मैंने थोड़ा सा दिखा दिया कि मैं कितना काम कर चुकी हूँ, जो कि मैं आप सबको ब्लॉग में नहीं दिखा पाई हूँ। और ये है हमारे पोम्पेरियन डॉग चेरी और ब्रूनो। चेरी ब्रूनो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय 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 कर दो। ये बोल रहे हैं हमें भी बाहर निकाल दो। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग, छोटू सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और सपोर्ट करिएगा। सबसे ज़्यादा मेन कॉमन बात जो है ना, वो है सपोर्ट की। आप सबका सपोर्ट जितना मुझे मिलेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। तो कल नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। कल मैं ब्लॉग पक्का लेके आने वाली हूँ, लेकिन आज फ़िलहाल इतना ही। तो हैप्पी नवरात्रे आप सबको, नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए, जय माता दी, बाय बाय।